हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि टर्मिनेटिंग स्टेशन पर सीएनडब्ल्यू स्टाफ द्वारा जो रोलिंग इन एग्जामिनेशन किया जाता है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। रोलिंग इन एग्जामिनेशन इन मोशन इंस्पेक्शन होता है जिसमें अंडर गियर पार्ट्स, कोचिंग या वैगन्स के देखे जाते हैं और साथ ही इसमें यह देखा जाता है कि कोई भी हैंगिंग पार्ट या लूज फिटिंग्स या डैंगलिंग कॉम्पोनेंट्स तो नहीं है जिससे कि इन रूट वैगन या कोच के संचालन में उसको नुकसान हो। साथ ही इसमें फ्लैट व्हील्स या फ्लैट टायर या व्हील स्किडेड को भी देखा जाता है। अगर हम वैगन की बात करें तो उसमें मुख्यतया पुश रॉड सेफ्टी ब्रैकेट्स, एआर टैंक सेफ्टी ब्रैकेट्स, साथ ही सेकेंडरी सस्पेंशन स्प्रिंग का शिफ्टेड हो जाना या मिसिंग हो जाना, एयर ब्रेक रिगिंग सिस्टम देखा जाता है कि उसमें एसएबी का जो लॉन्ग पुल रॉड होता है कहीं वो एक्सल से टच तो नहीं हो रहा है या एसएबी जाम कंडीशन में तो नहीं है। साथ ही ब्रेक ब्लॉक का जाम कंडीशन में होना, अगर कई बार क्या होता है ब्रेक ब्लॉक जाम कंडीशंस में होता है जिससे ब्रेक ब्लॉक मटेरियल व्हील पर डिपॉजिट हो जाते हैं और उस कंडीशन में भी अलग सा रेल से एक इम्पैक्ट और रेल और व्हील के बीच इम्पैक्ट होता है। तो ये चीज़ें नोटिस की जाती है जब भी हम रोलिंग इन एग्जामिनेशन करते हैं। इसके अलावा हम सीटीआरबी पर भी एक नज़र दौड़ाते हैं कि जो सीटीआरबी और एडाप्टर है उसका टेम्परेचर, जैसे ही रोलिंग इन एग्जामिनेशन हो जाता है तो उसके बाद एक्सल बॉक्स फीलिंग होती है। इस एक्सल बॉक्स फीलिंग में सीएनडब्ल्यू स्टाफ द्वारा लेज़र गन से सभी एडाप्टर या बियरिंग कप का टेम्परेचर मीज़र किया जाता है जिसको सर्टिफाई किया जाता है RDSO's टेक्निकल पैम्पलेट्स G81 के अनुसार। अगर एम्बियंट टेम्परेचर से 38 डिग्री सेल्सियस एबव है तो इस कंडीशन में हमारा जो बियरिंग है वो नॉर्मल होता है, लेकिन अगर टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में जो हमारा बियरिंग होता है उसको हॉट बॉक्स मान लिया जाता है और उस वैगन को डिटैच किया जाता है और उस बियरिंग को सर्विस से रिमूव कर दिया जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साथ ही इसमें देखते हैं बियरिंग में कि कोई एक अलग सी स्मेल तो नहीं आ रही है, ग्रीस के जलने की गंध कई बार हो सकती है वो हो जाए या ब्रेक ब्लॉक मटेरियल का जो फ्रिक्शन के कारण जलना हो जाए, तो ये सब चीज़ें भी हम नोटिस कर पाते हैं जब भी हम रोलिंग इन एग्जामिनेशन करते हैं। साथ ही कई बार कैसा होता है कि बियरिंग जो होती है हमारी उससे भी अबनॉर्मल साउंड आता है या उसमें बियरिंग में हम कई बार जो अलग सा विजिबल डैमेज हो गए, जैसे हम एडाप्टर देखते हैं एडाप्टर का कैंट होना या बियरिंग का जो लॉकिंग प्लेट होता है वो देखते हैं वो है कि नहीं है, एक्सल कैप स्क्रूज देखते हैं, साथ ही ग्रीस का लीकेज जो है वो पर्जिंग ऑफ ग्रीस वो इम्पॉर्टेंट है वो देखते हैं। कई बार क्या रहता है कि जो मटेरियल होता है बियरिंग के साथ वो एक अलग सा डस्ट के पार्टिकल के साथ बाहर आता है, तो वो चीज़ें जो हैं तो रोलिंग इन एग्जामिनेशन में पता लगती हैं। जैसे ही रोलिंग इन एग्जामिनेशन कर लिया जाता है उसके बाद जब भी ऐसा कोई हॉट बॉक्स या ज़्यादा एक्सेसिव टेम्परेचर का बियरिंग मिलता है हमें तो उसको चेक करते हैं कि उसका RB बराबर है कि नहीं है। इसको चेक करने के लिए हम हाइड्रोलिक जैक लेते हैं और हाइड्रोलिक जैक को ट्रॉली फ्रेम पर लगाते हैं और उसके सहायता से ट्रॉली फ्रेम को उठाते हुए सबसे पहले EM पैड निकालेंगे उससे और एडाप्टर को आयरन बार से उठाएंगे और उसके बाद उसको स्मूथली हम बियरिंग को रोटेट करेंगे। बियरिंग को रोटेट करने पर अगर यह पता लग जाता है कि बियरिंग स्मूथली घूम रहा है बिना कोई आवाज़ के, बिना किसी जाम कंडीशन में होते हुए, तो उस कंडीशन में बियरिंग को हम चलने के लिए लागू करेंगे। साथ ही हम इसमें एक लेटरल प्ले भी देखेंगे कि बियरिंग का लेटरल प्ले कितना है, इन लिमिट अगर है तो इस कंडीशन में बियरिंग को हम चलने के लिए लागू करेंगे। साथ ही इसके अलावा अदर चीज़ें जो हैं तो कोचेस में हम देखते हैं उसमें जो कंडीशंस हैं कोचिंग ट्रेन्स में वो अलग सी कंडीशंस हैं, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। हमने यहाँ पे वैगन का रोलिंग इन एग्जामिनेशन आपको बताया,
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी कोचिंग ट्रेंस का रोलिंग इन एग्जामिनेशन होगा, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स के बारे में हम आपको ज़रूर आगे बताएंगे। अभी आपने वीडियो में रोलिंग इन एग्जामिनेशन पैटर्न को देखा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सॉरी हल्की हल्की।